नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। पटना में जदयू की रैली के बाद एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से खाना को जमीन पर फेंका गया है। चावल है, दाल है, सब्जी है और जो वहां पर लोग मौजूद हैं, सुनिए कि जिस दौरान ये खाना फेंका गया था वहां पर जो मौजूद लोग थे वो लोग क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो कांग्रेस के MLC हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर की। आप तस्वीरें देखिए और सुनिए। नहीं अति करेगा, जब फोटो लीजिए, अब वीडियो बना के डालिए, वायरल करिए, विधान परिषद को गांव मार कर रख दिया है। सरकार जवाब दे पहले इसका। हम लोग आरजेडी के नेता पर सपक्ष है। भीड़ कहाँ जुटा था? भीड़ आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। इतना इतना देख के तो हालत खराब हो जाए। इतना काहे को बना के रख दिया था, इतना इतना पूरा है, ये है अभी देखिए। लेकिन इनको फेंकना नहीं चाहिए था, किसी को बटवा देना चाहिए। अरे बगल में यार पुरता खाली ये स्टेशन पर चल जाता है, सदा इतना भिखारी रहता। तो आपने तस्वीरों को देखा और तस्वीरों में लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बटवा दिया जाता है इस खाने को, लेकिन फेंकना कहां तक सही था। आप एक बार फिर से सुनिए कि वहां पर मौजूद जो लोग थे उन लोगों का क्या कुछ कहना था। लेकिन इनको फेंकना नहीं चाहिए था, किसी को बटवा देना चाहिए। अरे बगल में यार पुरता खाली ये स्टेशन पर चल जाता है, सदा इतना भिखारी रहता। तो आपने देख लिया ये जो खाने की बर्बादी है जो फेसबुक पोस्ट किया गया है प्रेमचंद्र मिश्रा की तरफ से, उसमें ये बातें कही गई हैं कि ये MLC जो फ्लैट नए वाले बने हैं उसी कॉलोनी की तस्वीरें हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जितनी भीड़ जुटानी थी उतनी उम्मीद से कम भीड़ जुटी और उसी गुस्से में जदयू के MLC की तरफ से ये जो खाना है वो फेंक दिया गया और ज़मीन पर खाने को बर्बाद किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसमें भीड़ नहीं दिखाई दी। विपक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो फ्लॉप साबित हुआ, जो नीतीश कुमार की रैली थी वो फ्लॉप साबित हुई। और खुद तेजस्वी यादव ने कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, कि ये जो थी कि हर एक क्षेत्र से 50 लोग भी नहीं इकट्ठा कर पाए। तो ये तस्वीर सामने आई है, इसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो देखिए कितना खाना फेंका गया है। आप लाइव सीरीज़ के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए LiveCities.in पर जाएँ। धन्यवाद।